ऑलराइट ही गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में। और इस पे मैं डालता हूँ फोटोशॉप और पिक्सआर्ट के मैनिपुलेशन ट्यूटोरियल्स, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और अगर आप मेरी सारी वीडियोस वॉच करेंगे तो आप वेरियस आर्ट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। मैं PNGs प्रोवाइड करता हूँ जो आपके लिए डाउनलोडेबल होती हैं और वो भी फ्री में, और आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी PNGs टेलीग्राम ग्रुप में जाके, या मीडिया फायर की लिंक होती है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और आप बहुत अच्छे से आर्ट क्रिएट कर सकते हैं और मुझे टैग करें इंस्टाग्राम पे, और मैं ज़रूर आपकी फ़ोटो को देख के रिस्पॉन्ड करूँगा और कमेंट एंड लाइक करूँगा। अगर मेरे को अच्छी लगी तो मैं जो भी बेस्ट फ़ोटो होगी उसे शाउट आउट दूँगा। और यूज़ करें हैशटैग सारविंद और इंस्टाग्राम सो फीचर होने के लिए स्टोरी पे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्रो वाला जो ट्यूटोरियल था, तो इसकी ये सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड लोड कर रखी है, तो ये PNG में आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ 3000 से ज़्यादा लोग पहले से ही ज्वाइंड हैं, तो आप भी वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं और फ्री में सारी PNGs डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ सबसे पहले मैं इम्पोर्ट करता हूँ अपने आप को। सो यहाँ मैं मॉडल अपने आप को इम्पोर्ट कर देता हूँ। और अगर आप ऐसे नहीं दिख रहे हो, मतलब ब्लैक एंड वाइट टाइप में, तो एडजस्ट में जाना है आपने। ब्राइटनेस आप कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी आपके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। उसके बाद सैचुरेशन भी डाउन कर सकते हैं, अगर आपकी सैचुरेशन ज़्यादा है तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो ये दो चीज़ों से भी आप सेट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ मैंने कर रखा है अपने आप को सही से सेट, तो मैं यहाँ अपने आप को बस जस्ट अच्छे से फिट कर देता हूँ कि वो अच्छी प्लेस पे आ जाए। सो ये इस जगह मुझे बहुत स्वीट स्पॉट लग रही है, तो मैं यहाँ टिक कर दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ ऐड फोटो में जाता हूँ और यहाँ से सबसे पहले चूज़ करता हूँ अपना ये, नहीं लाइट को डालता हूँ सबसे पहले। सो लाइट में यहाँ क्या है, ये मैंने पहले से ही आपके लिए ड्रॉ कर रखा है। इसमें चेन और ये रिंग पहले से ही है, सो आप जब पुट करेंगे जहाँ पर भी आपको चाहिए होगा तो वो वहाँ पे जाके सेट हो जाएगी, ना आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ, बस ड्रैग एंड ड्रॉप है डायरेक्ट। सो इससे एक फ़ायदा रहेगा कि आपका काम बहुत इजी हो जाएगा और बहुत ही इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको। सो यहाँ अच्छे से पहले सेट कर देता हूँ मैं इसे। सो लाइक ऐसे आएगा पूरा नेकलेस कह रहा हूँ मैं, रिंग। सो यहाँ ये फिट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें सैचुरेशन कम है, थोड़ी पॉप करनी है, तो आप यहाँ से सैचुरेशन भी पॉप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो सही पॉप होएगा। तो जैसा भी आपको लगता है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जितना करा है वो मेरे लिए परफेक्ट है, आपके लिए जितना परफेक्ट होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सो यहाँ टिक कर देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लो अच्छा खासा क्रिएट हो गया है मेरे पास। उसके बाद मैं ऐड फोटो में फिर से जाता हूँ अपने फ्लावर को ऐड करने के लिए, और यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इमेज को, और फिर यहाँ पर जस्ट अच्छे से देख के कि वो हैंड के पास पूरा अच्छे से सेट हो जाए। सो ये सेट हो चुका है और जस्ट मैं टिक कर देता हूँ। और फिर बारी आती है यहाँ पे क्रोज की ऐड करने की, मेन जो है क्रो, तो यहाँ ये क्रो को ऐड कर देता हूँ क्योंकि मेन तो यही है इस इमेज का। सो क्रो को जब भी आप ऐड करें तो ध्यान रखें कि आपके आईज़ के हिसाब का होना चाहिए, मतलब ऐसे आ रही है आपकी। अगर मैं PNG के हिसाब से दिखाऊं तो इसकी आइज़ और इसकी आइज़ मुझे मैच चाहिए थी, तो मैं जस्ट यहाँ पे रखूँगा, तो वो आप देख सकते हैं। आप मैचिंग जब अपनी फ़ोटो को करेंगे तो सही जगह रखें। सो मैंने यहाँ रखा, बिल्कुल आई के लेवल पे है और इससे फ़ोटो थोड़ी अट्रैक्टिव भी लगती है। उसके बाद मैं हेज़ ऐड कर देता हूँ, जो हर बार मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि हेज़ के बिना फ़ोटो आपकी अधूरी रहती है और ब्लेंडिंग नहीं रहती है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं। अब यहाँ मैं ये पूरा नीचे लेके आऊँगा तो ब्लेंडिंग आप देख सकते हैं कितनी ईजली से क्रिएट हो गई, तो मुझे यहाँ कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी और मेरी यहाँ फ़ोटो बन के रेडी हो चुकी है। इसके बाद आप जो भी कलर ग्रेड करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। लाइक मैं FX में नहीं करता हूँ इसमें ज़्यादा कलर ग्रेड,
तो यहाँ से जस्ट ब्लू लेना होता है मुझे, और ब्लू के बाद थोड़ा फेड कर देता हूँ मैं, तो ब्लूइश कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो जस्ट इतना मेरे लिए परफेक्ट है। और जस्ट ये रेडी टू पोस्ट है इंस्टाग्राम के लिए। सो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और PNGs डाउन डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज़।